हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित पीजी कॉलेज में हिंदी व्याख्याता का स्थानांतर अन्य जगह करने पर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए छात्रों ने जिला कलेक्टरेट में नाराबाजी कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि महाविद्यालय में हिंदी विषय के 4 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं, जिसमें ललित कुमार ही मात्र 1 पद पर व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। ललित कुमार का स्थानांतर होने से हिंदी विभाग खाली हो गया है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई बाधित होने की आशंका के चलते छात्रों में जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि स्थानांतर रद्द नहीं किया गया तो छात्र सड़कों पर उतर पर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। 6 तारीख को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट आई है ट्रांसफ़र की, इसके अंदर जालौर महाविद्यालय ललित जी का ट्रांसफ़र हुआ है। ये ललित जी की बात नहीं है, करीब करीब 2007 से लेकर अब तक जिसमें 42 पोस्टें होते हुए भी मात्र 13 लेक्चरर इस कॉलेज में है और यहाँ से छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस महाविद्यालय से सरकार ने महाविद्यालय तो खोल दिया लेकिन महाविद्यालय में रहने के लिए लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर यहाँ जालौर आने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से ये मंशा की जाती है कि यहाँ जो 42 की पोस्ट है जो रिक्त है 13 ही है और उसको पूर्ति की जाए। और यही चीज़ कई ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे गणित ले लो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लो या प्राणी शास्त्र ले लो, ऐसे में तो एक भी लेक्चरर नहीं है इस महाविद्यालय के अंदर। तो ऐसे छात्रों का भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। और बड़ी गनीमत की बात तो ये कि 2007 से अंग्रेजी व्याख्याता नहीं होते हुए भी यहाँ पर अंग्रेजी विषय जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं और जबरदस्ती के साथ उन जो अंग्रेजी विषय लेने वालों का छात्र जो है वो बिल्कुल फेल होते हैं। इनका अगर आप इतिहास जानेंगे इस महाविद्यालय का तो फेल ही फेल होते रहे। ऐसे में अंग्रेजी शास्त्र या तो इस महाविद्यालय से बंद कर देना चाहिए और यदि इसको यहाँ से चलाना है तो कम से कम यहाँ पर व्याख्याताओं की नियुक्ति करें। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।